जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट पर हैं, नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा किया होता। जून में जब हम ऑनरेबल एलजी साहब से मिले तो उन्होंने हमें वादा किया था कि विद इन वन मंथ में आपका सैलरी अनाउंस भी करूँगा और आपकी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो भी करेंगे, लेकिन तब से 6 महीने हो गए, मजबूर हो गया यूथ आज फिर से सड़कों पर आने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करती वक्त पर तो यूथ को इतनी तकलीफ नहीं होती, यूथ आज सड़कों पर नहीं होता। तो आपके माध्यम से सर एक बार फिर मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एनवाईसीज आर हाईली क्वालिफाइड, दे हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, दे हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, एंड वी अगेन एंड अगेन अपील ऑनरेबल एलजी साहब एंड चीफ सेक्रेटरी साहब दैट फुलफिल आवर डिमांड्स, आवर डिमांड्स आर लेजिटिमेट, वी जस्ट वांट, वी आर नॉट डिमांडिंग एनी केएसआर आईएएस ऑफिसर्स जॉब पॉलिसी, बट वी आर सिंपली सेइंग that save our future, save youth, because youth is the national builder. If youth is well developed, if you will fulfill the demands of youth, nation will be simply nation will be well developed and nation will progress and prosper everywhere. Amisha ka dora aa raha hai abhi unse kya ummeed lagate hain? Hamare jo honorable gree mantri sahab hai wo aane wale yahan par ummeede to hai, ummeede bahut sari hai kyunki recently ek meeting hui thi wahan par hamari jo भाजपा के जो हमारे लीडर्स है वो सारे वहाँ पर मीटिंग के लिए गए थे और उम्मीद रखते हैं कि हम कि उसका जो यहाँ पर आना होगा वो खासकर जो यूथ है, यूथ के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं सड़कों पर एनवाईसीज़ भी है, रेबर खेल भी है, रेबर जंगलात भी है, ऑल आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, सो वी होप दैट ही विल कम हियर एंड ही विल फुलफिल आवर डिमांड्स। हमारी जॉब पॉलिसी और सैलरी अनाउंसमेंट जल्दी जल्दी जो है दी जाए, वरना वरना वो दिन दूर नहीं है कि हम आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और पीसफुल तरीके से बता रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जो है हम दिल्ली में जाकर पार्लियामेंट के बाहर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जंतर मंतर में, और नरेंद्र मोदी जी को खुद वो वहाँ पे आएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, तब तक जो हम यहाँ से ये मसला जो है हल करके रहेंगे, क्योंकि हमने 12 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, अपना कीमती वक्त दिया, अब जो है हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमने ईमानदारी से डिपार्टमेंट को सर्व किया है, आज आपने देखा होगा तिरंगा रैली से आज हम इनको समझा रहे हैं कि हम अमन पसंद यूथ हैं, हम वायलेंस नहीं करना चाहते थे, हम शोर शराबा नहीं करने, लेकिन ये आप लोग हमें बार बार मोड पर ला रहे हो, हमें सरकार से बताना चाहता हूँ जल्दी जल्द मसले को हल करो, वरना जो है दिल्ली तक तिरंगा रैली निकाल कर प्रधानमंत्री के सामने जो है प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे अगर मसला हल नहीं हुआ। अमित शाह का भी दौरा आ रहा है राजौरी के लिए, क्या कहेंगे? अमित शाह जी से गुजारिश है कि जल्द जल्द एनवाईसी के मसले को हल किया जाए, क्योंकि हम छपाए हुए लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार रोड पर आना, ये कोई एजुकेटेड लोगों का काम नहीं है, लेकिन हमें आप लोग मजबूर कर रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रहे हैं वो जो हमें रोड पर लाए, हम चाहते थे कि हमारा मसला जो है टेबल पर हल हो जाए और हम अपने अपने डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम करें और अपने देश को अच्छा बनाएं, अपने देश के अपने देश की डेवलपमेंट करें, अपने गरीब मजलूम लोगों की मदद करें, ये हमारा जो है हमारी डिमांड है, और हमारा मसला जल्द जल्द हल करें और तब जाकर जो है देश आगे बढ़ सकता है, जब यूथ का मसला हल होगा, एनवाईसी का मसला होगा, एजुकेटेड एनवाईसी एम्प्लॉइज का मसला होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हम यहाँ से तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से जगाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए किस तरीके से युवा आज रोडों पे है और अपने मसलों को लेके, जब तक हम ये बताना चाहते हैं, जब तक आप युवाओं को साथ नहीं ले लेते और युवाओं के मसले हल नहीं कर लेते, ये धरने इसी तरीके चलते रहेंगे। आप बताइए किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के यूथ का फ्यूचर देख रहे हैं, और जब तक युवाओं का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में, तरक्की में किसी की भी, तब तक जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप युवाओं के लिए नहीं सोच सकते। आज आप देख लीजिए हर जगह एनवाईसी काम कर रहा है,
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी किया जाता है, तो क्या वजह है कि उनके लिए आप कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं देते और ये जो यूज़ एंड थ्रो का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए? आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक कंक्रीट पॉलिसी नहीं आ जाती हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कल लोहड़ी का दिन है और लोहड़ी का दिन भी हम यहाँ पे बनाएंगे त्यौहार। आपके चैनल के माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप भी आइए हमारे साथ, यहाँ लोहड़ी बनाइए रोडों पे और देखिए कि पैसों के बिना किस तरीके से लोहड़ी बनाई जाती है। अगर आप सही में युवाओं का दर्द समझते हैं तो वो उनका मसला हल कर दीजिए। ये हम आज यूथ डे है और यूथ डे के अवसर पे भी आप देख सकते हैं यूथ रोडों पे है। इससे बड़ा क्या अफसोस हो सकता है कि युवाओं के यूथ डे के दिन भी आज हमें ये रैली निकालनी पड़ रही है।